ঢুলীয়া গাঁও অর্থাৎ ভূতর গাঁও রাজস্থানের এখন বিশেষ গাঁও সম্মুখত মই উপস্থিত আছো, যখন গাঁত এটা জনশূন্য। প্রায় 600 বছর পূর্বে এই গাঁখন নদন মদন হয়ে আছিল, 84টা পরিয়াল বসবাস করেছিল, কিন্তু এটা এই গাঁখন সম্পূর্ণ খালি, কারণ এই গাঁখনত নিশা হলে ভূত ওলায়, যার বাবে গাঁখন সম্পূর্ণ খালি। ঘরবো মই কৈছো, ঘরবো নিস্তব্ধ নিঃশব্দ পরিবেশের মাজত আছে। আর ইয়ালে এই ভুটিয়া গাঁখন চাবলৈ এই স্থানলৈ বহু পর্যটক আহে। আমি ভিতর দৃশ্য দেখছো, এসময় নদন মদন গাঁও এটা সম্পূর্ণ খালি, আর 84টা পরিয়ালে 600 বছর পূর্বে এই গাঁও এই অন্য ঠাইলৈ গুছি গৈছে, আর তেতিয়ারপ্রায় এই গাঁখন পরিত্যক্ত অবস্থাত আছে। একেবারে নিজম পরিবেশ, আর সৌদিকে এক নিজম পরিবেশ, এক ভয় লগা পরিবেশ মই দেখছো। এখন দরজা, এই দরজার ভিতর ফলে আসলে নিশা হলে অহরির আত্মায় ইয়াত কান্দে বলে কয়। ইতিমধ্যে আমি স্থানীয় রাইজৰ পৰা জানিব পাৰিছো, আমি দেখুৱাই আছো এখন স্ক্রিনত দেখুৱাই থাকি কেনেদৰে এখন গাঁও ৰং বদং গাঁও ভুটিয়া গাঁও পৰিণত হল, কিয় গাঁওখনৰ মানুহে এই গাঁওখন আসলে এৰি থৈ গুচি গল। সব অস্ত্র বাতি রঙে কেসা লাগে এই ভূতকা গাঁও বলতে হয়, जैसे सुनने में लगा एक यूनिक लगा, इस तरह का तो हम लोग आज तक कभी देखा नहीं है, लेकिन एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ। डर लगा है? नहीं डर का कोई सवाल नहीं, भूत रहता है बोलता है, भूत तो हम लोग मानते नहीं है साइंस के हिसाब से, लेकिन कहानी जो सुन रहे हैं, अगर अगर रात को अगर अकेले रहे तो फील होगा ही थोड़ा, फील होगा ही थोड़ा। हाँ, मैं कोलदरा गांव में अभी गाइडिंग करता हूँ, तो इसमें 630 का अलाउ नहीं, हॉन्टेड विलेज बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को स्क्रीनिंग किया, गौरव तिवारी करके 2010 में आया था 18 स्वीमों के साथ, उनके साथ भी घटना हुई थी। ये कोलदरा गाँव पूरे वर्ल्ड में फेमस है हॉन्टेड विलेज है, ये गाँव में भूत रहता है। हाँ, भूत रहता है इसमें, इसमें किसी को अलाउ नहीं है। 6:30 बजे के बाद बहुत सारे लोगों के साथ घटना हुई। क्यों 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 है? फैमिली साइड है, क्यों चला ये गया? लड़की थी, कोई बहुत पावरफुल मिनिस्टर था, उसके कारण चली गई थी। चलो दादा तड़ातड़ी देखो, ऐसो कोलकाता कोलकाता से आया हूं, मुझे कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा। डर लगा है कि नहीं? नहीं एकदम नहीं, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा डर लगा। डर लगा? हां, मैं लेकिन कहानी क्या सुना आपने? उसने उन्होंने बोला कोई मिनिस्टर था, तो राजा राजा ने अत्याचार करके जो है एक लड़की के चलते पूरे गांव को खाली कर, लड़की को पसंद आ गई थी, मेरे को पीटोगे, चलो ये अच्छा बताएगा, ये अच्छा बताएगा। इतिमध्ये गाँव देखो, या ভূতৰ গাঁও, ভূতৰ গাঁৱত আমি এক্সক্লুজিভ দেখুৱাইছো নিউজ লাইভ ফটো ৰখক। আৰু এই ভূতৰ গাঁৱত ইতিমধ্যে বহুত পৰ্যটক আহি উপস্থিত, সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পিছত ইয়াত কোনো নাথাকে। 84 উনমে সবসে বড়া ইয়ে গাঁও থা কুলদারা, জৈসলমের কে আসপাস মে 200 সাল পেলে সব ব্রাহ্মণ লোক রহতে থে পালিওয়াল। 200 সাল পেলে পালিওয়াল ব্রাহ্মণ কে 84 গাঁও থে জৈসলমের কে আসপাস 50 কিলোমিটার কে দায়রে মে। উনমে সবসে বড়া ভিলেজ কুলদারা থা। ये क्या उस टाइम में माना जाना जैसलमेर के एकदम टच में रहता था गांव, सबसे बड़ा और पैसे वाला संपत्ति वाला ये कुलदारा था। इनके पास लोग बोलते थे पहले पैसा ज़्यादा होता था, पैसा मतलब सिल्क रूट था, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरा, उस टाइम में अनदर कंट्रियों से इनका काम चलता था, बॉर्डर वगैरह एक ही होता था। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल लोग बहुत पैसे वाले। क्यों खाली करके चला गया? सर स्टोरी बहुत बड़ी लंबी है, खाली करके स्टोरी लंबी है, इनको मैं सुना। हाँ हाँ, ये देखो ऐसे पर्यटकों को बुझाया से। और ये आपको कैसा लगा है गाँव में आके? मैं तो अभी आया हूँ। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया। हाँ, दिल्ली पर्यटक आए गाँव इतिमध्ये बहु पर्यटक आ उपस्थित हो गाँव सचके चाल गाँव इतिम्धे भूतर गाँव में परिणत हो बहु पर्यटक आम पर्यटक निज लाइफ दर्शक जानव विचार। हेलो, कैसा लगा इधर में? बहुत बढ़िया, भूत का गाँव बोलते हैं। हाँ जी, काफी अच्छा है। डर लगा है क्या? नहीं, थोड़ा क्रीपी फील हो रहा है, पर डर नहीं लग रहा है। क्या बोला गांव का भूत में भूत रहते हैं? हाँ जी, वो स्टोरी जो बताया था वो थोड़ा क्रीपी है, जैसे वो लड़की की और वो एक रात में ही सब गायब हो गए, वो थोड़ा स्कैरी है सोच के। कहाँ से आप? पंजाब से। पंजाब टूरिस्ट आए देखो, और एक गाँव इतिम्य जनशून्य एकमात्र भूतर आतंकर बाबी।